XMR एक्सएल काफी टाइम बाद। हाँ काफी अच्छा, कुछ बड़ा होगा या गिरा होगा इसलिए। हाँ बढ़ रहा है ना इसलिए। ये देखो दिस इज व्हाट, ये देखो ये क्लियर नहीं है कि ये हायर लो है, देख रहे हो आप लोग स्ट्रक्चर, ये देखो ये यहाँ पे लो है, ये हायर लो है, बहुत क्लियर है, मतलब इसने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। तो ऐसा होना चाहिए, अगर जरा भी उसमें आपको सब्जेक्टिविटी लग रही कि यार ये तो पता नहीं है कि नहीं है, तो फिर वो नहीं है उतना अच्छा, अगर है भी तो भी उतना अच्छा नहीं है। ऐसे सोचा करो कि यार मतलब इट शुड बी वेरी क्लियर, जैसे यहाँ पे है राइट, सो दिस इज ओह बॉय दिस इज लुकिंग वेरी गुड यार इनफैक्ट। एक मिनट राइट, लुक एट दिस, ये देखो ये ऑफकोर्स डाउन ट्रेंड बिकॉज पूरा मार्केट, एंड दिस इज दैट ब्रेकआउट अटेम्प्ट, दिस इज द लो, हायर लो, हाई एंड हायर हाई, नाउ दिस हायर हाई इज अबव दिस हाई ऑल्सो, अबव दिस हाई ऑल्सो, अबव दिस हाई ऑल्सो, मतलब कोई भी पिछले तीन चार हाई के ऊपर है विच इज ग्रेट, एंड वी ऑल्सो हैव अ हायर लो विच इज इवन बेटर। तो हायर हाई हायर लो एक एक बन चुके हैं, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छा स्ट्रक्चर है, थोड़ा वॉल्यूम्स भी आप देखोगे कि पिछले 10-12 दिन में थोड़ी बढ़ी है, बहुत नहीं बढ़ी है, वो तब बढ़ेंगी जब बिटकॉइन थोड़ा शांत होगा, मतलब इन द सेंस कि बिटकॉइन विल सेटल, तो दैट इज व्हेन इट विल कैच अप, बट लाइक बैड तो नहीं है, द वॉल्यूम्स आर नॉट बैड एट लीस्ट। सो हायर हाई हायर लो इन प्लेस, डू नॉट शॉर्ट, लॉन्ग करने के लिए आप मतलब मैं तो एक पर्सनली जैसा मैंने बोला कि दो हायर हाई हायर लो का वेट करता हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अभी बीच में मतलब मझदार में मत कर देना, बीच में या तो यहाँ का पुल बैक का वेट करो या यहाँ पे मतलब कहीं तो एक साइड, या तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या फिर एक सेकेंड पुल बैक, कुछ एक कहीं साइड पे लेना, बीच में मत नाव में से कूद के नदी में तैरने लगना, या तो इस छोर पे या उस छोर पे कहीं एक, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि बीच में ही यहाँ यू नो इन द मिडिल रीजन डोंट गो लॉन्ग, या तो आप पुल बैक का वेट करो या ब्रेकआउट का कहीं एक जगह ट्रेड करो, ठीक है, बट शॉर्ट बिल्कुल मत करो। द सपोर्ट इज एट 2.32 कह रहा हूँ, सब 2 point में रहते हैं, ये 232 है, 232.5 इज द सपोर्ट एंड 288.6 इज द रेजिस्टेंस। हमारा के जो कह रहा है कि और जलील होना बाकी है हमारा कॉल एक्सआरपी, नथिंग अगेंस्ट एक्सआरपी गाइस, बस मैं उसका चार्ट देख के बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज अदर ऑल्ट्स, लाइक इट वाज द स्टार ऑफ द लास्ट ऑल्ट सीजन, इट्स समहाउ नॉट डूइंग एज वेल, इट्स गोइंग अप व्हिच इज ग्रेट फॉर इट, बट आई एम जस्ट सेइंग, मैं ऐसे जोक कर रहा था एक्सआरपी वाले, हर्ट मत होना आप लोग, ठीक है। सो दिस इज यार, दिस हैज प्रोबब्ली वन ऑफ दोस मेजर ऑल्ट्स व्हिच हैज नॉट मेड लाइक योर्स एंड स्टफ, which is not made an all-time high in this bull run so far. Last time का 3.5 कुछ था, यहाँ $2 से reverse हो गया था, उसके बाद ये काफी strong downtrend, ठीक है, and now this is pretty good, this is at least मतलब मैं बोलूँगा कि अच्छा उतना नहीं भी तो बुरा तो नहीं है, जितना मतलब पहले हाल काफी खराब था उससे तो काफी better है, हाँ better setups है, but ठीक है, still not bad. हाँ तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला जो मतलब 23rd जून 22nd जून वाला जो लो है उसके ऊपर, मतलब दिस नॉट अ हायर लो बट नॉट अ लोअर लो, मतलब इट इज अक्रॉस द सेम 50 cents 51 cents वाला सपोर्ट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल एंड विच इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच हेल्ड थैंकफुली फॉर XRP होल्डर्स के बच गया यहाँ से नहीं गिरा, तो ये दिस इज अ मतलब आई वुड इज अ हायर लो बट नॉट वेरी कन्विंसिंग, ठीक है, तो जो लास्ट लो है मतलब वो बहुत अच्छा नहीं था, उसके बाद अब ये इसको देखें हम तो लुक एट दिस, दिस इज मतलब ये वाला ले लो आप या ये वाला कुछ भी ले लो, दिस इज अ हायर हाई एंड यस्टरडेज हाई इज मच हायर हाई, राइट, सो जो कल का हाई था वो पिछले 2-3 हाई से हायर था, तो अ वेरी प्रोमिनेंट हायर है विच इज ग्रेट। जो हायर लो है इट इज ऑल्सो मतलब अगेन नॉट अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, दिस इज द प्रॉब्लम कि ये लो उसके बाद ये हायर लो है तो पर मतलब अच्छा नहीं है ये, अगेन अ पुल बैक, अगेन मोस्ट ऑल्ट्स हैव आर सिटिंग ऑन द साइड लाइंस, दैट्स व्हाई दे आर नॉट मेकिंग वेरी डिसाइसिव मूव्स,
वो वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन चल रहा है, इसलिए बहुत क्लियर मूव्स नहीं दे रहे कुछ ऑर्ड्स, ईएनजे बाकी सब कुछ ने दिया, जैसे अभी इसके पहले एक्समआर वगैरह कुछ का स्ट्रक्चर अच्छा है, सबका नहीं है, तो क्योंकि वो साइडलाइंस पे वेट कर रहे सब लोग उनको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो देयर इज अ प्रोमिनेंट हायर हाई एंड अ वेरी स्ट्रांग वन, हायर लो की हमें एक जरूरत है जो पता नहीं कब आएगा, क्योंकि ये तो इस काफी टाइम से पुल बैक अभी नहीं दिया है, ये वाला इतना अच्छा नहीं था जो पुल बैक था, तो एक अच्छा पुल बैक कब आएगा वो देखने की, मतलब दैट्स स्टिल पेंडिंग टू बी सीन, हमें देखना पड़ेगा कि वो कब आएगा। बट टू मी ऑफ कोर्स डेफिनेटली डोंट शॉर्ट, बिकॉज एक तो हायर हाई बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर अच्छा है, पूरा मार्केट बुलिश है, तो डू नॉट शॉर्ट। लॉन्ग के लिए वेट, या तो आप बाकी कॉइन्स देख लो जो अच्छा कर रहे हैं उनको ट्रेड कर सकते हो तो वो कर लो, और नहीं तो यहाँ पे एक हायर लो जो अच्छा ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है क्योंकि वो बन जाए तो आप दैट यू शुड प्रॉब्ली रादर लुक एट ट्रेडिंग दैम, और लाइक लुक एट ट्रेडिंग दैट, मतलब इसको बन जान दो फिर आप उसको यू कैन ट्रेड इफ यू वॉन्ट, ठीक है। सो नॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू ट्रेड, बट इवेंचुअली वी आर होपफुल दैट वी विल सी समथिंग हियर, बिकॉज हायर है तो बन चुका है, हायर लो ठीक ठाक बन जाए और फिर सेकंड ब्रेकआउट अटेम्प्ट जब बनेगा उसके बाद तो वी माइट बी एबल टू लुक एट समथिंग, ठीक है। तो द सपोर्ट इज एट 0.8, मतलब हम वही हैं, एंड द रेजिस्टेंस इज एट 0.935।